शादी टालने के लिए ये बहाने बनाती हैं लड़कियां। भारत में लड़की की शादी को लेकर घर वाले ज्यादा चिंता करते हैं। हाल ही में हुई एक स्टडी में सामने आया है कि भारत में जिन महिलाओं की शादी की उम्र हो चुकी है वो इसे टालने में लगी रहती हैं। इन्हें लगता है कि जिंदगी शादी के बिना ही ज्यादा खूबसूरत और बेहतर है। ऐसी महिलाएं अपने करियर और जिंदगी बनाने को किसी आदमी के पैसे पर जिंदगी बिताने से ज्यादा बेहतर समझती हैं। आंकड़ों की माने तो कई महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के बाद शादी करना चाहती हैं। इसके बाद वो खूब पैसा कमाना चाहती हैं, घूमना चाहती हैं और फिर शादी के बारे में सोचती हैं। लेकिन हमारे देश में शादी सिर्फ लड़की की ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए जरूरी होती है। भारत में महिलाओं की मानसिकता में काफी बदलाव आया है और अब शादी को लेकर भी उनकी सोच बदल गई है। अब महिलाओं की शादी की उम्र बढ़कर 30 तक पहुंच गई है और अब माता पिता को भी शादी को लेकर ज्यादा चिंता नहीं रहती है। आज हम आपको भारतीय महिलाओं के कुछ ऐसे समझदारी भरे बहानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से वो घर में अपनी शादी की बात से किनारा कर लेती हैं। तो चलिए जानते हैं कि शादी की बात को टालने के लिए क्या क्या बहाने बनाए जाते हैं। घर में शादी की बात चलते ही लड़कियां अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में सोचने लगती हैं। इस टॉपिक से बचने का ये सबसे पहला बहाना है। अब कई भारतीय महिलाएं अपने करियर पर ध्यान देने लगती हैं और इनमें से कई शादी करने से पहले अपने क्षेत्र में नाम कमाना चाहती हैं। कोई भी मर्द उस लड़की से शादी नहीं करेगा जो अब भी अपने पूर्व प्रेमी से प्यार करती हो। शादी की बात को टालने के लिए लड़कियां ये बहाना भी बनाती हैं। ये एक समझदारी भरा फैसला है। आज कई महिलाएं घर में शादी की बात को टालने के लिए ये बहाना भी बनाती हैं कि घर और परिवार की जिम्मेदारी लेने से पहले वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। आज भी लड़कियां अपनी शादी की बात को टालने के लिए अपनी बड़ी बहन की शादी को मुद्दा बना देती हैं। आपने भी अपने घर में किसी ना किसी लड़की से ये बहाना तो सुना ही होगा। ऐसी कई लड़कियां हैं जो लव मैरिज के सपने देखती हैं। ऐसे में उन्हें अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर और सपनों के राजकुमार का इंतजार रहता है। जी हाँ, शादी की बात से बचने के लिए समझदार लड़कियां अक्सर ये बहाना बनाती हैं।